दोस्तों दलपति विजय अपने अंतिम प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद फिल्मों को अलविदा कहने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक्टर की आखिरी फिल्म थलपति 69 होगी, जिसकी अनाउंसमेंट केवीएन प्रोडक्शन ने की। साउथ एक्टर ने इस मूवी के लिए भारी भरकम फीस ली है। दोस्तों दलपति विजय साउथ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिन्हें दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। अभी थिएटर्स में उनकी मूवी द गोट धमाल मचा रही है। जल्द ही ये 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। अब राजनीति में जाने से पहले वो आखिरी बार एच विनोद की ओर से निर्देशित थलपति 69 में नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर काफी बज है। अब कहा जा रहा है कि साउथ एक्टर ने इसे करने के लिए भारी भरकम फीस वसूल की है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स के मुताबिक थलपति विजय ने अपनी फीस में बढ़ोतरी कर दी है। उनकी अगली और अंतिम फिल्म थलपति 69 के लिए उन्होंने 275 करोड़ रुपए चार्ज किया है। इसके साथ ही वो शाहरुख खान और रजनीकांत को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक थलपति विजय की आखिरी फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री हुई है। उन्हें विलन का किरदार निभाने के लिए अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कंगुआ में उनके प्रदर्शन के बाद दक्षिण में अभिनेता की लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ी है। विजय की आखिरी फिल्म की बात करें तो इसे थलपति 69 नाम दिया गया है और आज मेकर्स ने एक दमदार पोस्टर शेयर करते हुए इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। केवीएन प्रोडक्शन ने एच विनोद के निर्देशन और अनिरुद्ध रविचंद्र के संगीत के साथ थलपति विजय की आखिरी फिल्म थलपति 69 के लिए मंच तैयार किया है। ये फिल्म अक्टूबर 2025 में तेलुगु, तमिल और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म भारतीय फिल्मों के इतिहास की गूंज बताएगी। तो दोस्तों आपको थलपति विजय की आखिरी फिल्म के बारे में जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।